नमस्कार, जरा हटके में आज हम आपको बताते हैं एक ऐसी जगह जहाँ खाने के साथ बर्तन भी खाने पड़ते हैं। अलग अलग तरह के बर्तनों में खाने का स्वाद बदल जाता है, ये तो सुना है, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि खाने के साथ बर्तन भी खाए जाते हैं? सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये हकीकत है। जी हाँ, वैसे बर्तन आ गए हैं जो खाना भी पड़ेंगे। दरअसल कई बीमारियों की वजह बन चुके प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक जुटे हुए हैं कि कैसे भी प्लास्टिक के प्रयोग से बचा जाए। ऐसे में बहुत सी कंपनियां नए नए प्रयोग करने में जुटी हुई है। वहीं हैदराबाद के नारायण पीसपति ने मोटे अनाज के आटे की मदद से एक ऐसी चम्मच बनाई है जिसे इस्तेमाल करने के बाद खा भी सकते हैं। इस तरह के प्रयोग से डिस्पोजेबल का कचरा भी कम होगा और बर्तन धोने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये उपाय बेहतर साबित हो सकता है। इसके अलावा न्यूयॉर्क और पोलैंड में भी इसी तरह के बर्तन बनाए जाने पर काम किया जा रहा है। न्यूयॉर्क की कंपनी द्वारा बनाए गए कप में फूड सर्व किया जाता है और फूड के साथ इसे खाया भी जाता है। वहीं पोलैंड की एक कंपनी ने गेहूं की भूसी से प्लेट बनाई है। तो ये सारे प्रयोग सफल होते तो निश्चित ही प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद होगा, जो पर्यावरण और सेहत दोनों की दृष्टि से फायदेमंद है।